हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल RP पब्लिक स्कूल जोगीटेर सेबीगंज बरेली में। देखिए, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है वो आपके लिए हम बता दें 5.1 चल रही है और हमने चैप्टर शुरू कर दिया आपके लिए समांतर श्रेणी। यहाँ पर बच्चों, अब आपके लिए लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो चुके हैं और लघुत्तरीय प्रश्न का जो पहला पार्ट है, पहला जो प्रश्न है वो क्या है, देखिए ध्यान से। यानी लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो चुके हैं जिसमें चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी में है और क्यों है, ये बताना है। तो इसका जो पहला पार्ट है वो क्या लिखा हुआ है, लिखा है टैक्सी का किराया प्रत्येक किलोमीटर के बाद बदल जाता है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है, तो हम लिख देंगे प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया के लिए किराया। तो यहां पर पहले किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 15 रुपए है, फिक्स है। इसके बाद कह रहे हैं तथा अगले प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए अतिरिक्त हो जाता है। यानी पहले 15 था, पहले 15 था, अब 15 में 8 और जुड़ जाएगा, तो यहां पर आपके लिए हो जाएगा कितना, 23। 23 में और 8 जुड़ जाएगा, ठीक है ना, तो यहां पर हो जाएगा आपके लिए 31। 31 में और 8 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 39। देखिए, अब यहां पर आप ये चेक करिए कि क्या यह समांतर श्रेणी है, तो आप टर्म को लिख दीजिए। यहां पर पहला पद है 15, दूसरा पद आया 23, तीसरा पद आया 31, फिर आया 39, ये आया डॉट डॉट करके ये चलता जाएगा। आप इनके बीच का डिफरेंस देखो, 15 और 23 के बीच कितना डिफरेंस है, 8। यहां पर डिफरेंस देख लो कितना है, 8 का। यहां पर डिफरेंस देख लो कितना है, 8 का। यानी अंतर इनका 8 का है। अगर 8 का ये अंतर है, अंतर एक समान है, अंतर एक समान है, अगर अंतर एक समान है तो हम कह सकते हैं कि जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है। कैसी है, समांतर श्रेणी है, क्लियर है। तो यहां पर आप देखिए पहला पार्ट चौथे का पहला पार्ट आपके लिए यहां पर हो चुका है। चौथे का दूसरा पार्ट है, वो कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब आप ये मान के चलिए कि अगर एक कंटेनर है, एक कोई भी पात्र है, उसमें हवा भरी हुई है, सिलेंडर है, उसमें हवा भरी हुई है, एयर है, और जब ये एयर है इसमें भरी हुई, अगर हम इसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है हर बार में, जब इसके पिस्टन को दबाते हैं, यहां पर ये पिस्टन है, तो जब हम पिस्टन को दबाते हैं यहां पर, तो 1/4 भाग इसका निकल जाता है वायु का। तो अगर 1/4 वायु का भाग निकल जाता है, इस हिसाब से पहले जो इसका आयतन मानेंगे, आयतन इसका आयतन मानेंगे v, और इसका 2/4 भाग निकल जाता है हर बार में। तो पहले था मान लो v है, तो 2/4 भाग निकल गया, अगला फिर से 2/4 भाग निकल जाएगा तो हो जाएगा 2/4 का स्क्वायर, अगला फिर से निकल जाएगा तो हो जाएगा 2/4 का क्यूब, अगला फिर से निकल जाएगा तो 2/4 की घात कितना हो जाएगा, 4। और इसी तरीके से यह श्रेणी चलती जाएगी। अगर यह श्रेणी चलती जाएगी तो हम आपसे कहें कि क्या इनका जो टर्म होगा, जो डिफरेंस होगा वो सेम आएगा, तो आप इसके डिफरेंस को निकाल के देख लो, 2/4 का स्क्वायर माइनस 2/4, तो जाएगा 2² माइनस का 4 × 16 माइनस 2/4, ये आया। अब ये सॉल्व ज्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये टर्म जो है वो घटेंगी और इसकी टर्म कुछ और आएगी, तो इसका मतलब हुआ जो d है वो समान नहीं है, d समान नहीं है। अगर d समान नहीं है, अगर d समान नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यह समांतर श्रेणी नहीं है। आप लिख सकते हो यह है समांतर श्रेणी नहीं है,
यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है? अब हम इसका चौथे का तीसरा पार्ट करा रहे हैं आपके लिए, चौथे का तीसरा पार्ट। चौथे का तीसरा पार्ट क्या है? लिखा है प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150। यानी एक मीटर कुएं को खोदा गया, यानी यहां पर एक कुआं है, कुएं को खोदना, तो एक कुएं को खोदा जा रहा है और पहले एक मीटर के लिए जो है ₹150 लगते हैं। एक मीटर के लिए आई लागत 150 मीटर है। बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती गई, यानी एक मीटर पर ₹150 लग रहे हैं। अगला दो मीटर लेंगे तो 150 में ₹50 और अधिक हो जाएंगे। फिर अगला जो आएगा 150 में यह 50 जुड़ जाएगा तो 200 हो जाएगा, और अगले तीन मीटर में फिर से 200 में एक ₹50 जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 250। अगला 250 हो गया तो 250 में अगले चार मीटर के लिए अगला मीटर बढ़ेगा तो 250 में और ₹50 बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते यहाँ 300 हो जाएगा। यानी यह सीरीज हमारे पास बन गई, ये बन गई सीरीज, श्रेणी बन गई। क्या बन गई? पहले तो हमारे पास थे ₹150, उसके बाद हमारे पास हो गए 200, फिर हमारे पास हो गए 250, फिर हो गए आपके लिए 300। इसी तरीके से चलता जाएगा। तो इसका मतलब हुआ 150, 200, 250 और 300, ये मिला करके आप अगर सीरीज के डिफरेंस को देखें, अंतर को देखें, तो देखिए 200 में से 150 ये चला जाएगा, 50 का अंतर है। अगला 250 में से ये 200 चला जाएगा, 50 का अंतर है। अगला 300 में से 250 चला गया तो ये 50 का ही अंतर है। अगर ये 50 का अंतर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें D समान है, D 50 है तो समान है, और अगर D समान है तो हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी होगी। बात समझ में आ गई है? अब बात करते हैं यहां पर चौथे पार्ट की। चौथा पार्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा पार्ट क्या है? चौथा पार्ट देखिए ध्यान से, लिखा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि ₹10,000 की राशि दी गई है। यानी इसका जो मूलधन है वो ₹10,000 दिया गया है, और इसकी जो दर दी गई है वो 8% है। रेट है दर 8%, 8% की दर से ब्याज लग रहा है। तो आपके लिए कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है अगर, तो क्या यह समांतर श्रेणी के रूप में अमाउंट चलेगा? तो अगर हम बात करें यहां पर मिश्र धन की, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो चक्रवृद्धि ब्याज चलता है वो अमाउंट ज्यादा से ज्यादा बढ़ के होता है। यानी पहले कुछ अमाउंट आएगा, कुछ मिश्र धन कुछ अलग आएगा। आप मान लीजिए एक मिश्र धन आया एक्स, अब हो सकता है इसी का जो मिश्र धन हो वो हो जाए 3x 4x, ऐसे हो जाता है। यानी मिश्र धन का मतलब है अमाउंट जो होता है, धन जो होता है वो एक चक्रवृद्धि के रूप में बढ़ता है, यानी ज्यादा से ज्यादा ब्याज आपके लिए निकल करके आएगा। तो इनका जो डी होगा, यानी डिफरेंस, जो अंतर होगा अमाउंट में, धन में अंतर, धन में अंतर समान नहीं होगा, समान नहीं होगा। अगर धन में अंतर समान नहीं होगा तो हम कह सकते हैं यह जो है समांतर श्रेणी नहीं होगा, समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं होगा। बात समझ में आ गई है? तो यहां पर देखिए हमने आपके लिए लघु उत्तरीय प्रश्न के जो चौथे के पार्ट थे चार, वो हमने आपके लिए बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर पांचवा प्रश्न की। पांचवा प्रश्न भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है और सरल भी है, तो इसको हम बताते हैं पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वांतर ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी का प्रश्न है, देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमें पांचवे में आपके लिए निकालना है प्रथम पद, प्रथम पद यानी ए, और
इसका सार्वांतर निकालना है, यानी डी, डी का मान भी आपके लिए निकालना है। तो देखें यहां पर हम पहली सीरीज को लिख लेते हैं, जो पहली सीरीज दी गई है इसमें वो ये दी गई है 3-1-1-3 और डॉट 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 इस तरीके से दे रखी है। अगर हम इसके पहले पद को लिखेंगे तो इसका पहला पद हो जाएगा t1=3, इसे ए ही कहेंगे हम, क्या कहेंगे, ए, यानी पहला पद। और इसके बाद हम डी निकालेंगे तो डी निकालने का फॉर्मूला है t2-t1, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, तो दूसरा पद हमारा है यहां पर 1 और पहला पद है यहां पर 3, तो 3 में से 1 गया, माइनस का 2 आ गया, ये आ गया। तो आपसे यहां पर ये पूछा गया है कि डी का मान निकालिए, तो डी का मान है -2, यानी -2 पर यह सीरीज चलती रहेगी और इसका डी का मान -2 हो जाएगा। तो यहां पर पहला हो गया है आपके लिए, दूसरा पार्ट लिख लेते हैं। दूसरा पार्ट लिखा है -5-1-3-7 डॉट डॉट डॉट, ये है। अगर हम इसके श्रेणी की बात करें तो इसका जो पहला पद है वो है a=-5 और d का मान निकालेंगे तो हो जाएगा t2-t1, यानी t2 का मान, दूसरा टर्म, दूसरा पद क्या है -1 और -t1 का मान है -5, तो -5 रख दिया, तो -1 और माइनस की गुणा माइनस +5, तो 5 में से 1 चला गया तो हो जाएगा 4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसका d का मान हो जाएगा। इस तरीके से हमारा यहाँ पर सेकंड पार्ट हो चुका है और अब हम आपके लिए इसी का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट कराएंगे। यहाँ पर अब आपके लिए पांचवें का जो है थर्ड पार्ट करा रहे हैं। थर्ड पार्ट में दिया गया है यहाँ पर 1/3 और 5/3 और 9/3 ये दिया गया है और 13/3 है। तो आपके लिए सीरीज के लिए पहला पद और डी का मान निकालना है। तो यहां पर जो पहला पद हो जाएगा, जिसे हम t1 कहते हैं या ab कहते हैं, बराबर हो जाएगा 1/3। इसी तरीके से अगर हम यहां पर d निकालेंगे तो d का मान हो जाएगा t2-t1, तो t2 यानी दूसरा पद 5/3 है और जो पहला पद है वो 1/3 है, तो 3 यहां आ गया, 5-1, 5 में से 1 गया 4, 4/3 यहां पर डी का मान आ गया है, डी का मान 4/3 आ गया है। अब यहां पर इसका चौथा पार्ट देखिए, आप चौथा पार्ट कराते हैं भाई। चौथा पार्ट लिखा हुआ है 0.6 और 1.7 2.8 3.9, ये लिखा हुआ है। अब इसके लिए हमें सीरीज के लिए ए पहला पद और डी निकालना पड़ेगा। तो यहां पर ए बराबर लिख सकते हैं 0.6, यानी ये पहला पद है, ए बराबर 0.6 और डी का मान अगर निकालेंगे तो डी का मान हो जाएगा t2-t1, t2 यानी दूसरा पद, दूसरा पद है 1.7-t1 का मान है 0.6, तो हो जाएगा 1.7-0.6, 7 में से 6 चला जाएगा, 1 बचेगा और 1 में से 0 चला जाएगा, तो यहाँ पर आपके लिए 1 बचेगा, 1.1 हो गया और यही हमारा डी का आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर पांचवे के चारों पार्ट यहाँ पर हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपके लिए 7-8 है, ये एक्सरसाइज समझ लो फिनिश हो जाएगी। तो यहां पर हम फिलहाल अभी पांचवें प्रश्न के बाद छठा प्रश्न करेंगे। देखिए छठा प्रश्न क्या है, छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समांतर श्रेणी में है, यदि कोई समांतर श्रेणी में आता है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पदों का मान भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें करीब 15 पार्ट है, 15 भाग हैं इसके, तो हम यहां पर शुरू करते हैं पहले पार्ट के लिए। छठे का पहला पार्ट है, बताना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, और अगर है तो उसके 3 जो है पद निकालने पड़ेंगे। तो यहां पर आप देखिए इसमें जो पहला पार्ट लिखा है वो 2, 4, 8, 16 है डॉट डॉट करके। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या यह समांतर श्रेणी है, और चेक करने के लिए
क्या करते हैं हम, डी का मान निकालते हैं, और डी का मान दो बार निकालते हैं, एक तो टी टू माइनस टी वन और एक डी का मान निकालते हैं टी थ्री माइनस टी टू। अगर इन दोनों डी का मान बराबर आता है तो हम कह सकते हैं ये जो है समांतर श्रेणी होगी। चलिए अब चेक करते हैं भाई, टी का मान एक बार चेक करेंगे, टी टू माइनस टी वन यानी चार माइनस दो, दूसरा पद माइनस पहला पद तो आया दो। अगला डी का मान चेक करेंगे तो आठ में से चार घटाएंगे क्योंकि तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है, तो आठ माइनस चार कितना आया चार। क्या ये डी बराबर हैं? तो ये डी बराबर नहीं है, आप लिख सकते हो ये जो दो है वो बराबर नहीं है चार के, इसलिए हम कह सकते हैं ये समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसका पहला पार्ट हो गया, हमें कुछ करना नहीं अधिक पड़ा क्योंकि मैंने चेक कर लिया यहां पर यह समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए इनके तीन पदों को निकालना यहां पर नहीं निकाल सकते क्योंकि यह समांतर श्रेणी नहीं है। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की, तो दूसरा पार्ट हमारे पास है सीरीज लिखी हुई है दो कामा पांच बटे दो, फिर लिखा हुआ है तीन कामा सात बटे दो कामा डॉट डॉट डॉट, ये लिखा हुआ है। अब इस चीज को चेक करेंगे कि क्या है समांतर श्रेणी है, फिर से वही बात करेंगे, डी का मान निकालेंगे टी टू माइनस टी वन, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, तो पांच बटा दो माइनस दो, तो यहां हो जाएगा आपके लिए पांच माइनस दो दूनी चार बटे में दो यानी एक बटा दो। अगला डी का मान निकालिए टी थ्री माइनस टी टू, यानी तीसरा पद है हमारे पास तीन और दूसरा पद है पांच बटा दो, तो हो जाएगा तीन दूनी छ माइनस पांच और बटे में दो यानी एक बटा दो। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक बटा दो बराबर एक बटा दो है, इसका मतलब यह समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। और अगर यह समांतर श्रेणी है तो हमें इसके तीन पदों को भी निकालकर दिखाना होगा, तो देखें हम इसके इसके जो है तीन पदों को निकाल करके दिखाएंगे। देखें यहां पर आपके लिए ये तो पद लिखे हुए हैं लेकिन आपसे यह बोला जा रहा है कि इसके इनके तीन और पदों का मान ज्ञात कीजिए, तीन और पदों का मान, ये तो पद दिए गए हैं, इसके अगले तीन पदों का मान और ज्ञात करना है। तो आप देखिए एक दो तीन चार तो दिए गए हैं, पांचवा पद ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टी फाइव पांच, तो फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस हो जाएगा फोर डी, ए प्लस फोर डी, तो ए का मान हमारे पास है दो और फोर इंटू डी का मान है हमारे पास एक बटा दो, तो दो से ये कट जाएगा तो हो जाएगा दो प्लस दो यानी चार, तो इसका जो पांचवा पद होगा वो आपके लिए चार आ जाएगा। अब इसका छठा पद निकालना है तो टी सिक्स निकालेंगे इसका छठा पद, तो हो जाएगा ए प्लस फाइव डी, तो ए का मान हमारे पास दो प्लस फाइव इंटू डी का मान एक बटा दो, तो ये हो जाएगा दो प्लस पांच बटा दो, तो एलसीएम ले लेंगे दो दूनी चार प्लस पांच बटा दो यानी नौ बटा दो, ये हो गया टी सिक्स नौ बटा दो। अगला हमारे पास निकालेंगे टर्म सातवां ए प्लस सिक्स डी, ए का मान है दो प्लस छ गुणे डी का मान एक बटा दो, दो तिया छ हो गया तो दो प्लस तीन बराबर पांच, तो टी सेवन इक्वल टू आ गया पांच यानी पांच हो गया, सातवां पद पांच हो गया। अब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर तीनों पद निकल चुके हैं, एक चार आया है पांचवा पद, एक नौ बटे दो आया एक पांच आया है, तो ये जो है सेकंड पार्ट इसका हो गया। अब बात करते हैं यहां पर थर्ड पार्ट की, थर्ड पार्ट देखिए ध्यान से, थर्ड पार्ट ये है कि माइनस वन पॉइंट टू वन पॉइंट टू और माइनस तीन दशमलव दो, और यहां पर आपके लिए अगला है माइनस फाइव पॉइंट टू, ये है। अब इसको चेक कर लेंगे कि क्या यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो यहां पर चेक करते हैं डी का मान निकालते हैं भाई टी टू माइनस टी वन, दूसरा पद है माइनस थ्री पॉइंट टू, फिर माइनस टी वन का मान है माइनस वन पॉइंट टू, तो माइनस थ्री पॉइंट टू और माइनस के गुणा माइनस हो जाएगा प्लस वन पॉइंट टू, तो तीन दशमलव दो से वन पॉइंट टू घटा देंगे तो जीरो पॉइंट दो यानी माइनस का दो आया। अगला हम डी निकाल लेंगे, तो डी निकालेंगे टी थ्री माइनस टी टू,
थ्री माइनस है माइनस 5.2 माइनस टी टू का मान माइनस 3.2, तो माइनस 5.2 और प्लस 3.2, तो 5.2 में से 3.2 घटा देंगे तो 0.5 में से 3 गया 2 और माइनस का, यानी ये डी का मान जो है वो एक समान आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समांतर श्रेणी है, और अगर समांतर श्रेणी है तो इसके तीन पदों का और अगले पदों का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ तक तीन तो पद हमारे 5.2 लिखा हुआ है, और अगला पद हमारे पास लिखा हुआ था 7.2, यानी माइनस का 7.2 भी लिखा हुआ है, तो 1, 2, 3, 4 हो गए, पांचवा पद आपको निकालना है। तो यहाँ पर पांचवा पद देखा, हम निकाल के आपको दिखाते हैं पांचवा पद, a प्लस 4d। a का मान हमारे पास है यहाँ पर माइनस 1.2 और प्लस 4 × d का मान आ गया हमारे पास माइनस का 2.0, तो माइनस का 1.2 प्लस 4 × 2 = 8 और यहाँ पर 2 है 8 हो गया और कुछ नहीं है, माइनस का 8 है, तो जाएगा माइनस का 1.2 प्लस माइनस 8 और 8 और ये जुड़ जाएंगे 8 और एक 9, 9.2 हो जाएगा आपके लिए माइनस का 9.2। तो ये आपके लिए पांचवा पद है। इसी तरीका से आप और भी इसके सीरीज के पद को निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पांचवा, छठा, सातवां कोई भी पद आप निकाल सकते हैं। तो ये थर्ड पार्ट आपके लिए जो है वो हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चौथे पार्ट की। यहाँ पर हम आपके लिए चौथा पार्ट बताते हैं, और चौथा पार्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, -10 -6 -2 और प्लस का 2, इस तरीके से सीरीज चल रही है। अब यहां पर आपके लिए क्या कराएंगे, a का मान यहां पर -10 हो गया, अब d का मान चेक करेंगे। यहां पर d का मान जब चेक करेंगे तो t2 - t1, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो -6 - -10, तो -6 - -10 हो गया और 10 में से 6 चला जाएगा तो आपके लिए बचेगा 4 प्लस का। अगला d का मान चेक करेंगे, d बराबर t3 - t2, तीसरा पद है हमारे पास -2, फिर माइनस, t2 का मान है -6, तो -6 लिख लिया, तो -2 और माइनस की गुणा माइनस प्लस 6, 6 में से 2 गया तो 4 आ गया, यानी d का मान समान है, तो यह समांतर श्रेणी हुई, और समांतर श्रेणी अगर हुई है तो हम इनके पदों का भी मान निकाल सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4 पांचवा पद यहां निकालेंगे तो हो जाएगा a प्लस 4d। a का मान है हमारे पास -10 + 4 गुणे d का मान आया 4, तो -10 + 4 = 16, तो 16 में से 10 चला जाएगा आपके लिए बचेगा 6। अगला छठा पद निकालेंगे तो हो जाएगा a प्लस 5d। a का मान है -10 + 5 गुणे d का मान है 4, तो हो जाएगा माइनस का 10 + 20, 20 में से 10 गया आपके लिए बचेगा पॉजिटिव में 10। सातवां पद निकालेंगे अगर तो हो जाएगा a प्लस 6d, तो a का मान है -10 + 6 गुणा d का मान है 4, तो -10 + 24, 24 में से 10 गया यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर कितना बचेगा, तो आपके लिए 14 बचेगा यहाँ पर, ये आ गया। तो इसी तरीके से हमारे पास टर्म आती चली जाएंगी, तो यहाँ पर पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद हमने आपके लिए यहाँ पर निकाल के दिखा दिया है। तो ये हमारा जो पार्ट है वो चौथा पार्ट यहाँ पर हो चुका है। तो आई होप यहाँ पर आप पूरी चीज़ें समझ गए होंगे क्लियर तरीके से, और बाकी आपके लिए जब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे तो इससे और भी जो पार्ट बचे हुए हैं वो कराएंगे, काफ़ी पार्ट हैं अभी, और अच्छे से कराएंगे, सभी पार्ट कराएंगे आपके लिए, देखते रहेंगे। अगला जब पार्ट पड़ेगा तो उसमें पार्ट आपको मिल जाएंगे और पूरी एक्सरसाइज ही समाप्त हो जाएगी जहाँ तक अगले में, और नहीं होगी तो एक पार्ट और बन जाएगा आपके लिए, पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।